हेलो। तो गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो गाइस आज मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं और मैं 6 बजे जल्दी उठ गया था। तो आज बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और हल्की हल्की बारिश हो रही है हमारे गांव में। तो गाइस आज ठंडा बहुत ही ज़्यादा है। तो घर में रहो, स्वस्थ मत रहो, क्योंकि अभी बुखार तबीयत ऐसी जो मौसम डे बाई डे चेंज हो रहा था, उसमें तबीयत खराब होने का थोड़ा होता है। तो गाइस घर में रहो, सेफ रहो। और वैसे भी आप देख सकते हैं आपकी कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो घर में बैठिए, स्वस्थ रहिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए हमारे जो घर का थोड़ा सा दिखाता हूँ। हल्की हल्की बारिश हो रही है, बूंदे हो रही है, क्योंकि अब हल्की हल्की बूंदे बारिश करते हो तो मौसम भी ऐसा होगा जैसे अभी थोड़ी देर में ही बारिश हो रही है। ये पता नहीं चल रहा है कि अभी सुबह हो रही है, शाम हो रही है, कुछ की अब दोनों बराबर चल रहा है। गाइस जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले तो रिकॉर्ड लगता है, वो आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, बिजली का बिल हो, चाहे आपके पास जमीन का हो, चाहे आपके पास पट्टा हो, स्टैंप हो, लेकिन आपके पास रिकॉर्ड होना बहुत ही जरूरी है। तो गाइस ओबीसी सर्टिफिकेट आप बनाना चाहते हो तो गाइस उसके लिए 35 ईयर्स का चाहिए, चाहे वो ST हो, OBC हो, जनरल हो। अगर किसी को अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाना हो तो 35 ईयर्स का आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले डॉक्यूमेंट आपका राशन कार्ड, आपका आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर, बिजली का बिल होना चाहिए, आपका स्कूल का मार्कशीट होना चाहिए, एक फोटो आपके पास। और ये सिंपल से डॉक्यूमेंट आप लेके आप घर में बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन से UKE डिस्ट्रिक्ट से भी आप अप्लाई करा सकते हो। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ उसका फॉर्म कैसे आता है और उसको कैसे भरते हैं। तो गाइस ये है जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। तो अब ऐसा उसका फॉर्म आता है, आप देख सकते हो। इस फॉर्म को भरना बहुत ही ज़्यादा आसान है। नाम, जो अपना जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करा रहा, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग मेल या फीमेल, आयु, अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ डाल देगा, जाति आप क्षेत्रीय हो तो क्षेत्रीय, अगर थापा हो तो थापा, गुरुंग हो तो गुरुंग, यहाँ पे लिखे होगा। अगर उपजाति, उपजाति आप लिखोगे गोरखा क्षेत्रीय, अगर थापा हो तो गोरखा थापा, अगर गुरुंग हो तो गोरखा गुरुंग। जिला, तहसील, पटवारी क्षेत्र, आपका पटवारी कहाँ बैठता है लोकल में आप उसको डालोगे। ग्राम क्या है आपका, नगर पालिका कहाँ पड़ता है आपका, आपका पता और मोबाइल नंबर, पूरा फॉर्म भर के आपको यहाँ पे आवेदक के हस्ताक्षर में आपको साइन करना है, जो ये रहे। तो क्या ये सिंपल सा फॉर्म है, बहुत ही सिंपल फॉर्म है, भरना इतना हार्ड नहीं है। तो क्या इस फॉर्म को आप भर के आप किसी भी CSC सेंटर में, आप जहाँ पे आपका जन सुविधा केंद्र हो, या तो अपनी तहसील में जाके, या तो अपने मोबाइल से भी आप UKE डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर्ड होकर आप अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारी ऐसे चैनल में लगातार वीडियो आती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।